ये तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है हमारे लिए. हमने बहुत प्यार मोहब्बत से हमने ये सीरियल बनाई है. एंड अच्छी बात नंदिनी की है कि शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस. यही राम दरबार है जिसकी वजह से हमारे सेट पे एक रौनक थी, एक अजीब सी अलग सी रौनक थी. हमारे जो देश की संस्कृति है वो प्यार मोहब्बत की है. मुझे लगता है धरती पुत्र नंदिनी की जो TRP है इतनी कॉन्स्टेंट है. नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं बजूका पर और मैं हूँ दीपिका चिखलिया टोपी वाला. वेलकम टू बजूका. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. क्या कहना चाहिए, काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग है कि आज हम जो हम भी इतना कवर करते थे तो एक यस हाँ पूरा दिन इधर देना हाँ क्या कहना. ये तो बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग है हमारे लिए बिकॉज अब देखिए हमारा घर है ये एंड घर खाली हो रहा है. पर्दे वर्दे निकल गए हैं, सामान शिफ्ट हो रहा है, पैक हो रहा है. तो इट्स वेरी वेरी हार्ड ब्रेकिंग बट आई गेस एवरीथिंग जो शुरू होता है उसका अंत होता है और जो अंत होता है तो एक नई शुरुआत होती है. सो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन आर लाइफ्स. एंड मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा रनिंग काफ़ी अच्छा रहा. TRPs हमने बहुत अच्छे मेंटेन किए थे एंड शो बहुत अच्छा था. एंड हमने बहुत प्यार मोहब्बत से हमने ये सीरियल बनाई है. सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव. इसके अलावा मैम हमने हमेशा देखा है कि एक किरदार होता है ना, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते. अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने आपके किरदार से क्या सीखा? मेरे किरदार के साथ क्या क्या सीखा है? मतलब क्या सीखा है? आई हैव रियलाइज के अच्छे लोग जो होते हैं उनके साथ भले कितनी ही बुराई क्यों ना हो, अल्टीमेटली जीत वो अच्छे लोगों की ही होती है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बींग एंड ट्रुथ इज़ फार मोर पावरफुल. तो वो सच्चाई के साथ ही हमेशा रहना चाहिए. एंड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कॉन्स्टेंटली रहेंगे और उसको ओवरकम करना उसी का नाम ज़िंदगी है. मैंने हमेशा देखा है कि मतलब कहते हैं ना को-स्टार. ऑफकोर्स मैं नंदिनी और आकाश के बारे में जानना चाहूँगी. एक बेस्ट पार्ट, एक अनोइंग पार्ट. आपने क्या ऑब्जर्व किया इतने दिनों में? मुझे आकाश और नंदिनी का दोनों का एक अनोइंग वो लगता है कि वो कहीं पे भी सो जाते हैं. मतलब जस्ट गो टू स्लीप. मतलब ऐसे कटलील हो जाते हैं, इधर सो जाएंगे उधर सो जाएंगे थोड़ी सी जगह में. एंड अच्छी बात नंदिनी की है कि शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस एंड वेरी डेडिकेटेड. एंड आकाश का भी, ही इज़ अ वेरी ईजी टू ईजी गोइंग एज एन एक्टर. सो एंड ही इज़ ऑल द टाइम ट्राइंग टू लर्न. कि शुरू में जब आया यू नो हिज ही कुड नॉट रिमेंबर हिज लाइन्स. फिर लंबी लंबी लाइन्स आने लगीं सो ही स्टार्टेड रिमेंबरिंग लाइन्स. सो वो एक बहुत सुंदर ग्रोथ है उसके अंदर. नंदिनी जब आई थी, शगुन आई थी, वो शी वॉज लाइक अ रेडीमेड एक्टर. मतलब सुपर ब्रिलियंट. सो बट आकाश में ये एक था. इसके अलावा मैम जानना चाहेंगे कि इस सेट से आप कौन सा एक चीज़ है जो अपने साथ लेके जाना चाहो? यहाँ पे एक राम दरबार था जो मेरे राम जी, 4 फीट के राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की मूर्ति थी राम दरबार. मुझे लगता है यही राम दरबार है जिसकी वजह से हमारे सेट पे एक रौनक थी, एक अजीब सी अलग सी रौनक थी. एंड उसकी वजह से बहुत पॉजिटिविटी भी रहती थी और हम लोग बकायदा दिया पूरा दिन रखते थे. एंड अगर मैं लेके जा सकती तो ये लेके जाऊंगी. बाकी तो मैं ढेर सारी यादें लेके जा रही हूँ, कभी ना भूलने वाली यादें. सी आई बिलीव एक किताब है ट्यूजडे विथ मॉरिस. तो उसमें एक बहुत सुंदर लाइन, इट्स अ वेरी फेमस लाइन, दिस टू शैल पास. तो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ये लाइन बहुत बहुत हेल्प करती है कि दिस टू शैल पास. सो आई ऑलवेज नो वन थिंग कि ये एंड नहीं है, हमको इसको सिर्फ ओवरकम करना है. और कैसे ओवरकम करना है? जस्ट वेट इट आउट, टाइम हील्स एवरीथिंग. वेल मैम, इसके अलावा जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे जैसे कलकत्ता जी नहीं रहे.
कौन नहीं रहे? रतन टाटा जी। जी जी बिल्कुल। उनके बारे में आप क्या कहना? रतन टाटा जी वॉज जेन्यूनली जिसको बोलते हैं भारत के रतन थे, एंड ही वॉज नेशनलिस्ट, विजनरी, काइंड हार्टेड। तो मतलब जितना उनके बारे में बोलें उतना कम है, क्योंकि आई थिंक ही वॉज़ अ वेरी डिवाइन सोल। मतलब लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। सो आई थिंक वी हैव लॉस्ट एन एंजल फ्रॉम दिस अर्थ। अगर कहीं ना कहीं मैं मुंबई भी कुछ इस तरीके के सिचुएशन में आ चुका है कि यहाँ पे कह सकते हैं एक्टर्स भी सेफ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो अभी रिसेंट में हुई है, आप क्या कहना चाहोगे? इट्स वेरी सैड, क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमारे जो देश की संस्कृति हैं वो प्यार मोहब्बत की हैं, और ये सब नहीं होना चाहिए। एंड आई रियली फील दैट सबको जो मन मुटाव लोगों के होते हैं उसको हटा के मिटा के प्यार मोहब्बत से सबको रहना चाहिए। यस। ओके, लास्टली मैम, आपके जो फैंस हैं, मैंने हमेशा देखा कमेंट्स में पढ़ा आपके लिए काफ़ी वो लोग कह सकते हैं लॉयल, आज भी मैंने देखा। हाँ, उनके लिए क्या आप मैसेज लेना चाहते? मुझे लगता है धरती पुत्र नंदिनी की जो TRP है इतनी कांस्टेंट है, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ DPNs और मेरे जो फैंस हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही बहुत मेरा ये सीरियल देखा है, बहुत प्यार मोहब्बत से देखा है। बस उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी प्रे करिए, जल्दी जल्दी एक दूसरी अच्छी सी सीरियल एक अच्छे से चैनल पर हम लेकर आएंगे, एंड वेट टिल दैट टाइम, and take care of yourself and be good. Thank you. Thank you very much.